हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने आज पीपली अनाज मंडी का भी दौरा किया। पीपली अनाज मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुरुक्षेत्र इकाई के जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा, उनके पिता समाज सेवी और उद्योगपति व भाजपा नेता पंडित जय भगवान शर्मा डीडी सहित मंडी के आढ़तियों ने आदित्य देवीलाल का स्वागत किया। इस मौके पर आदित्य देवीलाल ने आढ़तियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य किसानों और आढ़तियों दोनों की समस्याओं को सुलझाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अभी बहुत कम समय हुआ है चेयरमैन बने हुए, अगले 6 महीने में आप मेरी कार्यप्रणाली से अवगत हो जाएंगे और किसानों व्यापारियों की समस्याओं को हल करने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। इस मौके पर जय भगवान शर्मा डीडी पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने भी आदित्य देवीलाल का पीपली अनाज मंडी पहुँचने पर आभार व्यक्त किया। जो काम मैं कर सकता हूं वो है कि किसान का और व्यापारी का रिश्ता और मजबूत हो, जो रिश्ता हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और इसमें भरोसा और विश्वास कायम हो। मैं मानता हूं आपका इलाका खुशहाल इलाका है, बड़े मेहनती किसान है, भूमि बहुत उपजाऊ है और हर संसाधन इस इलाके के किसान के पास है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। फसल चक्कर अच्छा है, 3-3 फसलें लेने वाले किसान भाई हैं, और जो सुविधा मंडियों में होनी चाहिए, जिस तरीके की होनी चाहिए, ये तमाम चीजें वो ऐसी मैं उपेक्षा करता हूं। और मेरे आने का सबसे बड़ा मकसद कि मैं अपने खुद आंखों से जो मेरे किसान भाई आज अपनी फसलों को लेके आए हैं, उनकी कोई तकलीफ हो या हमारे व्यापारी हैं इनकी कोई समस्याएं हैं, मैं स्वयं जाके मंडी में उनसे रूबरू हूं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करूं और उनका हल कैसे हो ये भी हम बैठ के आपसी बातचीत करके इसका हल निकालने का काम करें। बहुत हरियाणा के कर्मयोगी कर्मशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिनको इस प्रदेश के मार्केटिंग बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया, ऐसे मेरे छोटे भाई आदित्य देवीलाल जी का इस पीपली अनाज मंडी में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदित्य देवीलाल जी, जैसे भाई रवि जी ने कहा, वर्तमान में सिरसा जिले के अध्यक्ष भी हैं और डबवाड़ी से 2019 के अंदर चुनाव भी लड़े विधानसभा का, उससे पहले जिला पार्षद भी है। और जिला पार्षद का चुनाव साथियों हरियाणा के सबसे बड़े मार्जिन से जीत करके जिला पार्षद बने थे, और हराया भी किसको था भाई, अभय सिंह के जो पत्नी थी, शायद कांता उसका नाम है, उसको हरा करके बहुत बड़े मार्जिन से जिला पार्षद बन करके इन्होंने अपने उस क्षेत्र का विकास कराने का काम किया। नौजवान में काम के प्रति लगन, कर्मठता, परिश्रमशीलता, उसको देखते ही चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन साथियों इनकी तीव्र गति को देख करके मनोहर लाल जी ने कहा जिला अध्यक्ष तो है, इनको और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि साथियों आपने सुना था घोड़े जंगी होते हैं, घोड़े दरबारी होते हैं, मेरा छोटा भाई दरबारी घोड़ा नहीं है, जंगली घोड़ा है। इसलिए पूरे हरियाणा के मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी को दी है, इनका अभिनंदन है, स्वागत है। साथ में हमारे जिला के पार्टी के अध्यक्ष भाई रवि बतांगे, एक से एक बढ़कर किसान नेता, मजदूर नेता, हमारे आरती के नेता, हमारे मनिमो के जितने भी प्रधान है, मैं आज अपनी मंडी के प्रस्थान पर आप सबकी तरफ से भाई आदित्य देवीलाल चौटाला जी का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, उनको जी हां कहता हूं। आदरणीय साथियों, जब से हरियाणा के अंदर 10 साल से चौधरी श्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, इस सरकार में पहली सरकार
कि एक घर से दो दो एसडी लग जाए, एक घर से दो दो जेई लग जाए, एक घर से दो दो सेक्रेटरी लग जाए। और जिस आदमी ने पार्टी का साथ दिया और जो बिना पार्टी का भी है, तो आज ऐसी ऐसी जो घोषणाएं, ऐसे ऐसे जो सिस्टम से सरकार चल रही है। और कुछ लोग पिछले दिनों कहते थे राहुल गांधी के बाद कि कांग्रेस की हवा बढ़ गई। अरे साथियों, आज से 10 साल पहले कांग्रेस का जिला प्रधान कौन था? आज तक इतनी बड़ी पार्टी जो जिले का संगठन नहीं बना सकी, वो राज कैसे चलाएगी? जिस तरीके से पहले शैलजा अध्यक्ष थी, हुड्डा उसकी पैर फैलता था, आज हुड्डा गले मर गया, 4 कांग्रेसी उसके खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, नीचे से लेकर ऊपर तक, जय मोदी जय मनोहर लाल करते हैं। क्योंकि यहाँ हर हरियाणा का व्यापारी आता है, यदि आज अपने इस मंडी की पूरी मांग मान ली, तो समझो आपकी 25 MLA की और बढ़ जाएगी। आज एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, क्योंकि इस मंडी के अंदर हर तरह का, हर गांव का प्रजापत, हर गांव का किसान, हर गांव से आरती, सारे हरियाणा से लोग यहाँ पे हैं। तो मैं पुणे से आप सबका स्वागत करता हूँ और आए सभी मेहमानों को जी आई करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद हमारे साथियों। मंडी से माना जाता है, पूर्व विधायक यहाँ से दिए और जो प्रमुख नेता रहे, लगभग सभी का इस पिपली मंडी से संबंध रहा। तो ऐसी मंडी में पहुंचने पे बड़े ही ओजस्वी तेजस्वी मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं शिक्षा के, और वर्तमान में उनको हरियाणा सरकार ने मंडी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। ऐसे भाई आदित्य देवीलाल जी का इस मंडी में पहुंचने पर भाई लगना चाहिए अभी पिपली मंडी में पहुंचे हैं, इस तरीके से तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उनका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत, बड़े हर्ष का विषय है। आज तक पूर्व में जो चेयरमैन बने, तो शायद उन्होंने चंडीगढ़ बैठ के ही अपनी वहां से कार्यशाला कराई, और बड़ा अच्छा लगा कि एक किसान जो खुद खेती करते हैं, उनको आज हरियाणा सरकार ने चेयरमैन बनाया। तो जिन्होंने समस्या पता होती है, वही समस्या का निवारण करते हैं। आज मैं सुधा सेन के साथ हूँ, इनकी कार्यशैली देख के मुझे बड़ा प्रभावित होने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब ये सबसे पहले जब हमने